गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में आपने देखा कि एनवायरनमेंट में चैप्टर फोर का वर्ड्स में जो पढ़ाया गया आपको, एक तो बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड ये बताया गया, चिड़िया उड़ती कैसे हैं, हाउ डज ए बर्ड फ्लाई, और क्या सभी चिड़िया उड़ती हैं। फिर इसके बाद एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में बताया गया जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे भी जीव को बताया गया जो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। अब आपको इनके चोंच के बारे में आज पढ़ाया जाएगा, द बीक्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चोंच। हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स, सभी चिड़ियां अपने चोंच से ही अपना भोजन करती हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते, चिड़ियों के दांत नहीं होते। द साइज एंड शेप ऑफ बीक्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड द बर्ड्स ईट, उनके जो चोंच का आकार है वह उनके भोजन पर निर्भर करता है कि जो वो खाती हैं, वो क्या खाती हैं उनके भोजन पर ही निर्भर करता है उनका चोंच कैसा है। जैसा चोंच रहेगा वैसा ही भोजन कर सकेंगे। हमिंग बर्ड फीड मेनली ऑन नेक्टर, जो हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड एक बहुत छोटी चिड़िया होती है, ये केवल जो फूलों के परागरस होते हैं उनको ही ये चूसती है, उसी वही उनका भोजन है। देयर लॉन्ग एंड स्टर लाइक बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, ये क्या करते हैं कि फूलों में से रस को, इनका जो लंबा और नुकीला जो चोंच होता है उसे, फूलों में से ये रस को चूस लेते हैं। स्मॉल एंड शॉर्ट बीक्स ऑफ पिजन हेल्प देम टू ईट फूड ग्रेन्स, छोटा जो चोंच होता है कबूतर का, ये अनाज को खाने में इनकी मदद करता है। पैरट ईट्स सीड्स एंड नट्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रांग एंड कर्व बीक, यानी कि घुमावदार और मजबूत चोंच के द्वारा ही तोता किसी के बीज को भी खा लेता है। स्पैरो ईट्स इंसेक्ट्स, गौरैया कीड़े खाती है एंड सीड्स, और बीज को भी खा लेती है। दैट इज वाई दे हैव शॉर्ट एंड स्मॉल बीक, इसलिए उसका चोंच भी बहुत छोटा और मजबूत होता है। पेलिकन बर्ड्स जो होते हैं ये मछली खाती हैं, दे हैव ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स विथ ए पाउच, इनका जो चोंच होता है वह बहुत चौड़ा होता है, लंबा होता है और नुकीला होता है। डक्स ईट्स वर्म एंड प्लांट, बत्तख कीड़े को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं, इसलिए उनका भी जो बीक होता है वो भी ब्रॉड चौड़ा होता है और फ्लैट समतल टाइप का होता है। द स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स ऑफ किंगफिशर हेल्प देम टू फीड ऑन फिश एंड फ्रॉग्स, मजबूत लंबा और नुकीला जो चोंच होता है किंगफिशर पक्षी का, वह उनको मछलियों के और मेढक को खाने में उनकी मदद करता है। ईगल एंड आउल हैव स्ट्रांग शार्प एंड हुक बीक, चील होते हैं और जो आपके उल्लू होते हैं इनका भी चोंच बहुत मजबूत होता है और नुकीला होता है। ईगल फीड अप स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस रैबिट एंड स्नैक्स, ईगल क्या खाती है छोटे जानवरों को जैसे चूहा खरगोश और सांप, इनको खा लेती है। सम ईगल दैट लिव इन द रेन फॉरेस्ट, कुछ जो बरसाती जंगलों में जो ईगल्स रहते हैं, फीड ऑन स्मॉल मंकी, वो छोटे बंदरों को भी खा जाते हैं। आउल्स फेड एट नाइट मोस्टली माइस एंड फ्लॉक, क्योंकि उल्लू क्या करते हैं कि रात में वो नॉर्मली अधिकतर वे चूहा और मेढक पर ही निर्भर होते हैं, इन्हीं को वो खा लेते हैं। पीकॉक्स फीड ऑन स्नैक्स, मोर
सांप को खा लेते हैं, फ्रॉग्स मेढक को भी खा लेते हैं, और लिजर्ड छिपकली को भी खा लेते हैं। देयर बीक्स आर शार्प एंड पॉइंटेड, उनका भी बहुत ही तेज और नुकीला होता है उनका चोंच। अब इसके बाद कुछ चिड़ियों के घोंसलों के बारे में आपको बताया जाएगा कि अलग अलग चिड़ियाँ अलग अलग घोंसलों में रहती हैं। नेस्टिंग आर मेकिंग नेस्ट इज ए कॉमन हैबिट ऑफ बर्ड्स। जानते होंगे कि घोंसला बनाना और उसमें रहना यह चिड़ियों में बहुत आम बात है। सिंस ऑल बर्ड्स ले एग्स, क्योंकि सभी चिड़ियाँ अंडे देती हैं, दे बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स एंड यंग वंस सेफ। इसलिए घोंसलों को क्यों बनाती हैं, ताकि उनके अंडे और उसमें से निकलने वाले बच्चे सुरक्षित रह सकें। बर्ड्स यूज थिंग्स लिटिल कॉटन ट्विग्स लीव्स ग्रास वूल मेक देयर नेस्ट। चिड़ियाँ जो अपने घोंसले बनाने के लिए सामान जो लगाती हैं उसमें छोटे छोटे जो सूती कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाता है, पत्तियाँ, घास फूस, ऊन, इन सब चीज़ों से इकट्ठा करके वह अपने घोंसलों को बनाती हैं। और आगे आपको डिटेल से नेस्ट ऑफ द घोस्ट नेस्ट ऑफ द बर्ड्स ये पढ़ाया जाएगा कल की वीडियो में। आप कंटिन्यूस वीडियो देखते रहें। थैंक यू।